ठंडक सर्द में। हेलो गाइस, मैं हूं लोकेश, आप देख रहे हैं AR क्रिएट और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ऐसा ही वीडियो अलाइट मोशन ऐप की मदद से कैसे बना सकते हैं विथ वेरी इजी स्टेप्स। बस आपको वीडियो एंड तक देखना है, सो कीप वॉचिंग। ऐसा वीडियो बनाने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। सो ऐसा वीडियो अभी इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा वायरल है, तो चलिए हम पता लगाते हैं कि ऐसा वीडियो हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको अलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है, देन आपको प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको रेशियो सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे रेशियो सिलेक्ट कर लेता हूँ 9:16 को, देन आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है और ऑडियो के सेक्शन में जाके, व्यू ऑल के सेक्शन पे जाके आपको कोई सा भी अपना सॉन्ग जिस पे आप ये बनाना चाहते हैं वीडियो, वो आप यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर लें। देन मैं भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे सिंपली सॉन्ग को ऐड कर लिया है। सॉन्ग ऐड करने के बाद आप क्या करें, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके इमेज एंड वीडियोज़ पे जाएं और अपनी जो भी इमेज आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर लें। सो अगर आपको यही वाली इमेज चाहिए, सो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं और सॉन्ग की भी आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस इमेज को आपको डाउनलोड करके ले लेना है या फिर आप अपनी जो भी फेवरेट इमेज यहाँ पे चूज़ करें उसी पे आप क्या करें, टिक या फिर क्लिक करें, देन इफेक्ट्स के ऑप्शन पे जाएं, यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे जाएं, यहाँ पे आपको सर्च करना है सैचुरेशन। सैचुरेशन आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, इस पे आपको क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे सैचुरेशन आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको कर देना है -100। ओके, इतना करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी का ऑप्शन मिलेगा, उस पे आपको क्लिक करके इसकी जो भी ओपेसिटी है उसको आपको 40 या 42 तक यहाँ पे आपको रख लेना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली 40 तक रख लेता हूँ या फिर 42, ओके 42 रख लेते हैं। देन आपको बैक आना है। ओके, हमने यहाँ पे इमेज और सॉन्ग को ऐड कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिरिक्स को लिखेंगे। लिरिक्स को लिखने के लिए आप यहाँ पे आ जाएं जहाँ पे आपकी लिरिक्स स्टार्ट हो रही है आपके सॉन्ग के हिसाब से। अगर आप यहीं पे हैं तो आप यहाँ पे 0.5 सेकंड्स पे आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें और टेक्स्ट पर क्लिक करें। टेक्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है अपनी फर्स्ट लिरिक्स, जो भी आपका फर्स्ट लेटर है अपनी लिरिक्स का वो आप यहाँ पे टाइप कर दें। देन इसको फर्स्टली अलाइन कर लें। अलाइन करने के बाद यहाँ पे आपको रोबोटो रेगुलर लिखा आ रहा है, ये एक्चुअली फ्रंट है, इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये वाले फंड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक्चुअली हम दो फंड का यहाँ पे यूज़ करेंगे, इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सबसे पहले तो यहाँ पे डाउनलोड कर लें और इनको इसमें अलाइट मोशन में इनपुट, अगर आपको अलाइट मोशन में फंड को इनपुट नहीं करना आता तो आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च करके भी ट्यूटोरियल देख सकते हैं। सो इन दोनों को आपको डाउनलोड करके इनपुट कर लेना है। ये फर्स्ट वाले को आपको सेलेक्ट करना है इस फर्स्ट वाले लिरिक्स में और इसकी साइज़ को हम रख लेते हैं 36 तक। ओके, सो हम रख लेते हैं 36 PT। देन इसके कलर को हम कर लेंगे वाइट और इसको डन पर क्लिक करें। मूव एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करें और इसको आप जहां पर भी रखना चाहते हो वहां पे इसको अच्छे से सेटअप कर लें। देन मैं इसको यहां पे रखूंगा, हाँ ये यहां पे एकदम अच्छे से अच्छा लगे। ओके, देन ये इतना मैंने यहां पे रख लिया है। देन इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ओके, सो ये करने के बाद आप क्या करें, इस लेयर की आप क्या कर लें, डुप्लीकेट एक लेयर कर लें। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद आप यहाँ पे अपनी जो भी लिरिक्स है सेकंड लिरिक्स वो आप यहाँ पे टाइप कर दें। इसको टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे देन सेकंड लिरिक्स के वर्ड में आपको ये वाले फंड को यूज़ करना है जिसका नाम है लेमन मिल्क बोल्ड, इसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी, आप इसको भी डाउनलोड कर लें। देन इसकी साइज़ को हम रख लेंगे 18 तक। ओके, इसकी साइज़ को आपको 18 रख लेना है। देन आपको यहाँ पे राइट कर देना है। आपको क्या करना है, इसको भी आपको क्या कर लेना है, डुप्लीकेट एक और लेयर कर लेनी है। देन आपको एडिट एक्स पे जाना है। देन यहाँ पे आपको जो भी अपनी फेवरेट इमोजी आपको लगानी हो वो आप यहाँ से सिंपली लगा लें। मैं ये हार्ट की ची इमोजी को लगाऊंगा। देन इस हार्ट की इमोजी को लगाने के बाद आपको ये आईफोन वाला एक फंड को डाउनलोड कर लेना है, सिंपली इमोजी के लिए यही यूज़ में होता है। और आपको यहाँ पे कलर के सेक्शन पे जाना है, यहाँ पे बीच वाले में आपको सेकंड पे कलर वाले का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करके इसको इनविजिबल या पैरेलल आप जो भी बोलो आपको सिंपली कर लेना है। देन राइट पे क्लिक कर लेना है। ओके, आप जब इतना सा काम कर लो आप क्या करो, इन दोनों को एकदम हाइड कर दो, जो नीचे की दो थी ना सेकंड और थर्ड इमोजी और वो मैं लिखा हुआ, उनको आप क्या कर दो, हाइड कर दो एक मिनट के लिए। हम क्या करेंगे, जो फर्स्टली हमने लिरिक्स लिखी थी उस पर हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन लगाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है।
देन आपको इस पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पे जाना है। देन साइज के ऑप्शन पे आपको इस पे सिंपली चले जाना है। साइज के ऑप्शन पे आप जैसे जाएंगे आपको सबसे शुरुआत में आ जाना है। मैं आ जाता हूँ। सबसे शुरुआत में आने के बाद आपको यहाँ पे एक कर्ल लगा देना है। देन आपको ठीक 0.20 पे आना है। ओ नो, हाँ 0.20 पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक और कर्ल लगाना है। देन आपको एंड में कर्ल लगा देना है। एंड में कर्ल लगा देना है। अब जो हमने 0.20 पे कर्ल लगाया था ना, आपको इसके ऊपर आना है। देन आपको क्या कर लेना है, इसको हमें जो भी साइज़ अभी आप देख लो आपको कितना रखना है वो आप अपने हिसाब से देख लो। अगर आपको यही ठीक लगे तो आप इतनी रखो। देन आपको सबसे शुरुआत पहले पे आके इसको आपको कर लेना है एकदम ज़ीरो। ओके, सो मैं इसको ज़ीरो कर लेता हूँ, ज़ीरो। और देन जो लास्ट वाला है उसको भी आपको कर लेना है ज़ीरो, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आके यहाँ पे आपको एक कर्व का ऑप्शन मिल रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करें। देन आपको यहाँ पे करें जो, देन आपको इसको कर लेना है ऐसे, दोनों को ऐसे कर लेना है। देन इसके और इसके बीच में आना है और इन दोनों को आपको रख लेना है ऐसे। ओके, इतना करने के बाद आपको कुछ ऐसा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, सो ये हमने इस पे लगा लिया। अब आप क्या करो, इनको जो हमने हाइड किया था दो को, आप इनको वापस से अनहाइड करो। देन आप जो ये सेकंड लिरिक्स थी आपकी जो भी, आप उस पे क्लिक करो और मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पे जाओ और इसके सबसे स्टार्ट के पोर्शन पे आओ। देन यहाँ पे एक की लगाओ। देन यहाँ पे हमने जो पहले लगाई थी ना 0.20 पे, हाँ तो ठीक वहीं पे वापस आओ और वहीं पे वापस एक की लगा दो और देन एक लास्ट में की लगा दो। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो ये कहाँ गया 0.20 है, आपको इसके ऊपर आना है ये आगे। देन इसको आपको नीचे लेना है, ठीक, इतना ले लेना है आपको नीचे लेना है। और जो भी आपके ये फर्स्ट और ये सेकंड जो भी की आपने लगाई थी उन दोनों के बीच में आना है आपको। और ये कर्व के ऑप्शन पे जाके ये थर्ड वाले कर्व को सेलेक्ट करके ऊपर वाले को आपको आगे तक ऐसे स्लाइड कर देना है। देन आगे इस वाली और एंड वाले के पोर्शन के बीच में आना है। देन वापस से थर्ड को ऑप्शन को चूज़ करके इसको आपको अब की बार नीचे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो देन हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको अब क्या कर लेना है, पूरा बैक आ जाना है। देन इमोजी के ऑप्शन पे जाना है, यानी कि इमोजी जो लिरिक्स लिखा था इमोजी वाला टैक्स, उस पे हम क्या करेंगे अब ट्रांजेक्शन देंगे। मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन का आपको वापस पे जाना है, स्टार्टिंग पे आना है, यहाँ पे एक की देनी है और एक वापस 0.20 जो हमने पहले दी थी ना वहीं पे वापस आके की देनी है और एक एंड के पोर्शन पे आके की दे देनी है। देन आपको जो 0.20 के ऑप्शन पे हमने की दी थी आपको क्या करना है, इसको ऊपर की स्लाइड कर लेना अब की बार ऊपर की तरफ। मैं इतना सा कर लेता हूँ, ओके यहाँ पे एकदम ठीक रहेगा। ऊपर की साइड को आपको क्या कर लेना है, इसको स्लाइड कर लेना है। देन फर्स्ट और सेकंड के बीच में आना है और यहाँ पे आपको थर्ड नंबर के ऑप्शन को चूज़ करना है और इसको आगे तक स्लाइड कर देना है। देन इसके और इसके एंड के पोर्शन के बीच के आके थर्ड वाले को चूज़ करना है। देन इसको नीचे ढकेल लेना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो हमारी सेकंड लिरिक्स थी उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर जाएं, ऐड इफेक्ट पे जाएं। देन आप सर्च करें टेक्स्ट स्पेसिंग, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेक्स्ट लिखते ही टेक्स्ट स्पेसिंग, इसके ऊपर क्लिक करें और स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको लेटर स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करें। देन आपको इसको रख लेना है 25%, आप इसको अच्छे से सेट कर लें। इतना करने के बाद आपको जो आपने फर्स्ट लिरिक्स लिखी थी उसको आपको डुप्लीकेट कर लेना है। देन डुप्लीकेट लेयर जो भी होके आएगी उस पर आपको क्लिक करना है, इफेक्ट्स के ऑप्शन पर जाके ऐड इफेक्ट पे जाना है। देन आपको यहाँ पे ऊपर ही मिलेगा डायरेक्शनल ब्रर, उसके ऊपर क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग में आपको चूज़ कर लेना है। देन आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ मिलेगी, स्ट्रेंथ को आपको रख लेना है 30। ओके, यही सेम स्टेप आपको जो सेकंड लिरिक्स थी उसी के साथ भी करना है, इसकी भी डुप्लीकेट करनी है। जो डुप्लीकेट होके आएगी लेयर उस पर आपको क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे जाके डायरेक्शनल ब्लर को सिलेक्ट करना है और इसकी स्ट्रेंथ को आपको 30 तक रख लेना है, 0.30। देन इसको भी आपको मिनिमाइज़ करना है। जो हर्ट की शेप थी, हर्ट की इमोजी हमने लगाई थी टेक्स्ट में, उसकी भी डुप्लीकेट करना है। इफेक्ट में जाना है, इफेक्ट में जाना है, डायरेक्शनल ब्लर को सिलेक्ट करके इसकी स्ट्रेंथ को आपको रख लेना है 0.30 तक। ये आप जब भी कर लोगे तो आपकी यहाँ पे 6 लेयर्स हो जाएंगी जो कि देखने में अब ऐसी लगेगी
ये ऐसे आएगी और ऐसी चली जाएगी, जो कि अच्छा सा इफेक्ट हमें मिल चुका है। देन आपको क्या करना है, इन सभी को आपको अब क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपको अब नेक्स्ट लिरिक्स लिखनी है ना, तो इनको सेलेक्ट करके प्लस पे क्लिक करना है, कॉपी सिक्स लेयर करना है। जब आप कॉपी सिक्स लेयर कर लोगे देन आपको यहाँ पे एंड के पोर्शन पे आना है इनके, और आपको पेस्ट सिक्स लेयर कर देना है। देन आपको क्या करना है, जो भी आपकी सिक्स लेयर आप आके आई है, आपको सेकेंड लिरिक्स पे आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पे जाना है, और 0.20 जो भी आपके बीच में की लगाई थी ना उस पे आना है। देन आपको इसको जो सेकेंड लिरिक्स है उसको आपको ऊपर ले जाना है, आपकी बार हर्ट है ना इमोजी, वहाँ तक ले जाना है, और ये नीचे वाले जो मैं लिखा हुआ है, जो हमने डायरेक्शनल ब्लर लगाया था, उसको भी आपको उसके पीछे पीछे ले जाना है। और देन जो इमोजी थी उसको आपको अबकी बार क्या करना है, नीचे ले आना है, ठीक है। सेकेंड वाले में आपको उसको नीचे लेके आ जाना है, और अब आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, कुछ काम ज़्यादा। देन आपको इनके ऊपर क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट पे जाके इनकी जो भी आपको सेकेंड जो भी लाइन है बोली हुई आपको उसको टाइप कर लेना है। मैं टाइप कर लेता हूँ सिंपली। देन आप इतना कर लोगे तो आपको कुछ ऐसा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, मैं इसके टी को क्या कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, ये लो। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, अब आप जब थर्ड लिरिक्स लिखोगे तो आपको जो ये फर्स्ट में हमने लिरिक्स लिखी थी, आपको इनको कॉपी करना है, इन जो भी छः लेयर है इनको कॉपी करना है। देन यहाँ पे आगे पेस्ट करना है, और जब आप फोर्थ लिखोगे तो आपको सेकंड वाली को कॉपी करके आगे पेस्ट करना है, और इसी टेक्निक को आपको फॉलो कर करके एडिट आपको डायरेक्ट अब सिर्फ लिरिक्स लिख डालनी है और कुछ भी नहीं करना। देन आप सारे लिरिक्स को लिख डालो इसी टेक्निक को फॉलो करके। तो मैं सबसे पहले इन सभी को लिख लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे सारे लिरिक्स को यहाँ पे टाइप कर लिया है। देन आप सारे लिरिक्स को टाइप कर लो, यहाँ पे ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करो। देन सिंपली आप यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे जाके अपनी क्वालिटी को चूज़ करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो। देन आपको यहाँ पे नीचे सेव का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर सेव करके आप डायरेक्टली आपकी गैलरी में ये वीडियो सेव हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, और आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द मिलने वाली है, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो, तो आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, टेक केयर।